Yeshua,
तब तुरा करे है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान इस धरती गाय तेरे गुणगान है तुझसा कोई नहीं। गुरलों पे आते हैं गाते हैं घुटनों पे आते हैं गाते हैं। तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है तुम महान 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 है तुझ सा कोई। परमेश्वर है तू उधार है तो सृष्टि का खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तो जब उधार है तो सृष्टि का खुदा मेरा तू। अल्फा है तू ओ ओमेगा भी तू सारे मंदिर का बादशाह है तू। तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसा कोई खुदा खुदा हमारा खुदा
that. Thank you, Lord, for the praise and worship. And thank you, Lord, your blood washes us, cleans us, Father God, whiter than snow, Father God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, girls. Wonderful. Wonderful worship. And now we go to the Word. Very interesting. The Word is always, like Pastor Matthias says, always, I was gripped by the Word. He's there. And he gets gripped by the Word. So the Word should grip us. Not the things of the world, but the Word of God should have a grip on us. So when you love the Word of God, it will grip you. Everybody can hear me? Yes, Pastor. Wonderful. Tushar ka ekdam clear awaaz aata hai. Dekhiye, aaj main baat karta hoon aapse. आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि कितने लोग सोचते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे जाता है. हाथ उठाएं. वेरी गुड, वेरी गुड. कि कभी, हाँ, मोनालिशा, राखी सच बोल रही हैं, जग्गू सच बोल रहा है, ऐश्वर्य राय सच बोल रही है, हम सबका, तारा सच बोल रही. तारा, आप स्क्रिप्चर पढ़ेंगे आगे जाके. हमारा सबका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे जाता है कभी. अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही होती है. अभी हम अपने कार में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास ड्राइव करते हुए, और स्पीड ब्रेक आ जाता है तो एकदम अच्छी स्पीड से हमारे को स्लो करना पड़ता है ना. यार बड़ा गुस्सा आता है यार. अच्छे वाले जा रहे थे, स्पीड ब्रेकर जगह जगह बना रखे हैं उन्होंने, वो तो गलत बात है. लेकिन अगर वो स्पीड ब्रेकर ना आता तो शायद एक्सीडेंट होके हम मर जाते. कि एक तेज मोड़ होता सामने और वहां से ट्रक आ रहा होता, और अगर हम तेज और शीघ्रता से जा रहे होते तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता था. कितने लोगों को ये बात समझ आई? स्पीड ब्रेकर आई, दीपक को आई. तो ऐसे ही जिंदगी में कभी कभी प्रभु स्पीड ब्रेकर लगा देता जो हमें बुरे लगते हैं. अरे हम तो दौड़े चले जा रहे थे यार, ये क्या हो गया? हमारे साथ तो सब ठीक चल रहा था, ये क्या हो गया? लेकिन कभी कभी वो स्पीड ब्रेकर जो बम्प आता है, रोड बम्प आता है, वो हमारी जिंदगी बचा लेता है. सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मैसेज आज का बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं. कॉन्फिडेंस, ये लास्ट 3 महीनों से मैं, हम लोग प्रभु की कृपा से जब स्क्रिप्चर सुनते हैं सुबह, तो उसमें मैंने जब भी सुन तो मैं आई गेट कॉन्फिडेंस ऐश्वर्य कॉन्फिडेंस अभिषेक कॉन्फिडेंस बोनी कॉन्फिडेंस हैज अ ग्रेट रिवॉर्ड. स्पिरिट मुझे समझाते रहते थोड़ा थोड़ा, तो मैं आपको समझाता हूँ और अपने आप भी समझने. ओके, ये स्पीड ब्रेकर जो हैं ये क्या होते हैं और असली कॉन्फिडेंस क्या होता है, असली इस कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन क्या है जो हिलता नहीं है, उसको हम स्टडी करेंगे आज. बड़ा मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा. और किसी को इसको ट्रांसक्राइब करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरे को भी भेजना चाहिए कि मैं भी पढ़ूं दोबारा. अभी एक वर्ड होता है सेल्फ एस्टीम. अगर विजय होता तो मैं से बोलता, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अपने में सेल्फ एस्टीम, मतलब मेरे अपने अंदर मेरी काबिलियत जो मैं समझता हूं, अपने अंदर जो मेरी एस्टीम है, आत्म सम्मान जो मेरा अपने लिए है. Self esteem is confidence in one's own ability, worth and goodness. Self esteem, जो हमारे को अपने अंदर esteem होती है, जो अपने अंदर होती है, वो हमारा confidence होता है कि हम जो कर सकते हैं, हमारी जो ability है, हमारी जो कीमत है और हमारे में जो अच्छाई है. समझ में आ रही है? ये worldly confidence होता है, ये worldly कॉन्फिडेंस होता है
अभी आप मैराथन रनर हैं और आप 40 मील भाग सकते हैं, लेकिन अगर आपका उस मॉर्निंग पे पेट खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी सेल्फ वर्थ एकदम नीचे आ जाएगी। आप सोचते हैं कि आप एक एक टॉपिक में बड़ा अच्छी तरह जानते हैं और फिर कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो आपको डैनियल की किताब ऐसे समझाएगा जैसे आपने समझी नहीं, तो आपकी सेल्फ एस्टीम फिर गिर जाएगी। आप अच्छा बोलते हैं, कोई आपसे अच्छा बोलेगा तो आपकी, मतलब ये तो ऊपर नीचे से यो यो होता था जिसे खेलते थे हम, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। लोग क्या बोलते हैं, लोग हमारे पीछे क्या बोलते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अरे उसने मेरे लिए अच्छा बोला, दूसरे ने उससे बुरा बोल दिया, तो हमारे इमोशंस जो हैं वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं। हम लोग स्ट्रांग हैं, तगड़े हैं, अभी ये कोविड आ गया, घबरा गए तो सेल्फ वर्थ गिर गई, कुछ 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 कॉन्फिडेंस हिल गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हाँ होता है, तो कॉन्फिडेंस हिल गया, लेकिन उसको आप स्पीड ब्रेकर की तरह लीजिए, उसको आप स्पीड ब्रेकर की तरह लीजिए कि इससे आपकी जान बच गई, जो बाग आगे से शैतान का ट्रक आ रहा था बड़ा, वो आपसे नहीं टकराया। सबको मेरी आवाज सुन रही है? यस, बहुत जरूरी है। तो आपकी सेहत में कुछ हो गया, आपके जॉब में कुछ हो गया, आपकी पेमेंट डिले हो गई, आप स्पीड ब्रेकर आ गया, एक बंप आ गया, तो आप ऐसा मानिए कि प्रभु ने आगे से जो शैतानी ट्रक आ रहा था उससे आपको बचा लिया स्पीड ब्रेकर ने। सेल्फ एस्टीम होती है अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करना, अपने कीमत पे डिपेंड करना, अपनी अच्छाई पे डिपेंड करना, और इसको हम, ये ऊपर नीचे होती रहती है। ये मैं सीख रहा हूं, इस बहुत मेरे दिमाग में यही चल रहा है आजकल। और प्रभु का कॉन्फिडेंस क्या होता है, प्रभु का कॉन्फिडेंस क्या होता है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, बड़ा अलग होता है। सेल्फ एस्टीम इज गॉडली, सेल्फ एस्टीम इज कॉन्फिडेंस, सेल्फ गॉड इन जीसस इन गॉड आर सेल्फ एस्टीम इज, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, इज हैविंग कॉन्फिडेंस दैट आई एम हु गॉड सेज आई एम, नॉट गॉड थिंक्स, नॉट गॉड विशेस, नॉट गॉड वॉन्ट्स, बट वॉट God says about Paramjit Singh is Paramjit's confidence. Moni's confidence, Angad's confidence, Abhishek's confidence, Chawlaji's confidence, Sangeeta's confidence, Marisha's confidence, Alice's confidence, Manish, Tushar's confidence, Najma's confidence, Kamlakar's confidence, Tara's confidence, Deepa's confidence, Rakhi's confidence, Jagu's confidence, confidence, Mona Lisa's, Pastor Matthias's, Sister Rosa's. What does God say about me is the final, जिसको बोलते हैं कि प्रभु मेरा कॉन्फिडेंस क्या है, कि प्रभु मेरे बारे में क्या बोलता है। इंटरेस्टिंग, हाँ, कि प्रभु मेरे बारे में क्या बोलता है। तारा, आर यू देयर? यस पास्टर। तो तारा पढ़ेंगी अभी साम 139:13-14। प्रभु आपके बारे में बोलता है, यहां से शुरुआत कर, आदमी क्या बोलता है, प्रभु आपको क्या समझते से जानते हैं क्या बोलता है, ये आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। साम 139:13-14। Psalm 139, hello. 13 and 14 ना? भजन संहिता उसका 129वां अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। बब्बू अंकल, यू आर ऑन म्यूट।
मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है तारा, आपकी आवाज नहीं सुन रही, तो मैं पढ़ता हूं प्रभु हमारे लिए क्या बोलता है। आपकी आवाज नहीं आ रही तारा, किसी को नहीं आ रही ना? मेरी आवाज आ रही है? आई सी आवाज आई सी प्रभु, प्रभु आ रही है। संगीता तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस पास्टर, यस पास्टर आ रही है। जी बाबा जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके, अभी इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में बोलता हूँ, या तारा एक बार फिर कोशिश करो। हेलो आवाज आ रही है पास्टर? साम 139:13-14 भजन संहिता 139 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। अभी ये होता है कॉन्फिडेंस। आप अनवांटेड थे, आप सोचते हैं आपको आपके माँ बाप चाहते नहीं थे, आपका वजूद क्या है। यहां पे बाइबल बता रही है आपका वजूद, मेरा वजूद, ये प्रभु हमारे बारे में क्या बोलता है, ये बाइबल हमारे को बता रही है कि प्रभु ने हमारे को अंधेरे में, इनर मोस्ट क्रिएटेड माय इनर मोस्ट बीइंग्स, सब जो मेरे अंदर है वो प्रभु ने क्रिएट करा है। किसी आदमी ने नहीं क्रिएट करा है, किसी मशीन ने नहीं क्रिएट करा है, किसी और पावर ने नहीं क्रिएट किया है। परमजीत सिंह को, इनर मोस्ट बीइंग को, जो मैं हूं, जो मेरा कोर है और जैसे मैं बना हूं, जो मेरी शक्ल है, ये प्रभु यीशु ने क्रिएट करी है। यू निट मी टुगेदर इन माय मदर्स वूम, मुझे वापस जोड़ा तुमने। आप शुरू में बच्चे को देखेंगे तो ऐसे लगता है कुछ पता नहीं लगता, ना नाक है ना कान पता चलते हैं। 9 महीने के बाद ऐसे लगता है जैसे सिलाई करके सिल दिया, सब सब कुछ क्लियर हो जाता है। यू निट मी टुगेदर इन माय मदर्स वूम, प्रभु ने हमारे को अपनी माँ की कोख में बुना है, ये प्रभु आपके बारे में बोलता है। आई प्रेज यू बिकॉज आई एम फियरफुली एंड वंडरफुली मेड, मैं भयानक तरीके से और बहुत ही आनंदित तरीके से बना। योर वर्क्स आर वंडरफुल, आपका कार्य मैं हूं और मैं वंडरफुल, मैं आनंदित हूं। कोई आदमी ने नहीं मुझे बताया, कोई मशीन ने नहीं मुझे बनाया, कोई न्यू एज कल्ट ने नहीं मुझे बनाया, कोई एवोल्यूशन ने मुझे नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं। मेरे को बनाया है प्रभु ने खुद अपने हाथों से अंधेरे में, और मुझे गढ़ा है एक दूसरे, मेरे को पूरा बनाया है, नाक कान सब दिमाग बनाया है, और मैं भयानक रूप से और बहुत आनंदित रूप से और वंडरफुली मेड हूं। और आपके वर्क वंडरफुल है, जो आप करते हैं वो वंडरफुल है, तो मैं भी वंडरफुल हूं। तो प्रभु क्या बोलता है, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ बिकॉज आई हैव मेड यू वंडरफुली। आपको मैंने बहुत प्यार से, मोहब्बत से, अपने हाथों से गढ़ा है, और ये मैं बात अच्छी तरह जानता हूं। तो यहां से वर्ल्डली कॉन्फिडेंस और प्रभु का कॉन्फिडेंस। हाँ जी अंकल, कैन यू रिपीट, थोड़ी थोड़ी वॉइस इज प्रॉब्लम आई सी, कैन यू रिपीट अगेन। यहां से वर्ल्डली कॉन्फिडेंस और गॉडली कॉन्फिडेंस का पता हमारे को क्लियर बाइफरकेशन होती है, और हमें पता लगता है कि गॉडली कॉन्फिडेंस क्या है और वर्ल्डली कॉन्फिडेंस कितना फ्रेजाइल है और टूट जाता है, पर गॉडली कॉन्फिडेंस कभी नहीं टूटता है। अभी सुना? यस 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 ओके। फिर हम जाते हैं आगे, वी आर डिस्कसिंग फेक कॉन्फिडेंस, worldly confidence and solid confidence of God Almighty.
सर अगेन वी लॉस्ट इट लॉस्ट इट अभी आ रही है क्या भैया आज बड़ी परेशानी हो रही लॉर्ड रिमूव द ऑब्स्टिकल्स पीपल हियर मी वी आर लर्निंग अबाउट कॉन्फिडेंस सुन रहा है क्या यस पास्टर वी कैन हियर यू अच्छा अभी फिर हम बात कर रहे हैं आज बहुत क्लियर कर लीजिए आपको वर्ल्डली कॉन्फिडेंस से निकलना है और आपको गॉडली कॉन्फिडेंस में आना है जो इटर्नल है ये सुना यस यस तो पढ़ेगी मेरी बच्ची तारा हिब्रूज 13:6 कॉन्फिडेंस ही करें बाइबिलिकल कॉन्फिडेंस ही करें नहीं तारा की आवाज नहीं आ रही जी पास्टर हाँ बोलो इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 6 आयत इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है मैं ना डरूंगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनुष्य की मनुष्य है वो मेरे में क्या बोलता है वो मेरे पीठ के पीछे क्या करता है वो ऐसा है वो वैसा है उससे निकलिए बाहर जब प्रभु के हाथ में हम आ जाते हैं ना फिर कोख में वापस चले जाते हैं जहां पे प्रभु ने हमें गढ़ा है तो एक कॉन्फिडेंस आता है जो कभी नहीं टूटता स्पीड ब्रेकर से नहीं टूटता किसी प्रॉब्लम से नहीं टूटता वो हमेशा हमारे साथ रहता है सो वी से विद कॉन्फिडेंस आपने शायद कॉन्फिडेंस के बहुत कम स्क्रिप्चर पढ़े होंगे बाइबल में आज मैं आपको बताऊंगा सो वी से विद दिस विद गॉडली कॉन्फिडेंस हिब्रू 13:6 द लॉर्ड इज माई हेल्पर मेरा मददगार कोई इंसान नहीं है प्रभु इंसानों को यूज जरूर कर सकता है लेकिन मेरा मददगार जो है वो आसमानी है रूहानी है जमीन का नहीं है अर्शी नहीं है फर्शी अर्शी है फर्शी नहीं है फर्श का नहीं अर्श का है आसमान का है मेरा द लॉर्ड इज माई हेल्पर आई विल नॉट बी अफ्रेड प्रभु मेरा मददगार है मैं नहीं डरूंगा मेरे को मेरा आदमी क्या बिगाड़ सकता है आमीन अगर समझ आई बात तो हाथ उठाइए वेरी गुड नहीं बाकियों को नहीं समझ आई तो ये कॉन्फिडेंस रियल होता है आपकी शक्ल सूरत कैसी आप कैसे दिखते हैं प्रभु को आप अच्छे दिखते हैं आमीन और जो आपके लिए प्रभु ने बनाया वो भी आपको अच्छा देखेगा तो ये दो स्क्रिप्चर हुए अभी अभी तीसरे पे जाते हैं लोग डरते हैं मेरा कल क्या होगा यार मेरे को तकलीफ हो गई मेरा तो यार मेरी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है कल क्या होगा यार मेरा पैसे का प्रॉब्लम हो गया कल क्या होगा ये आज मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं आप कोई गलती नहीं है आप कोई मिस्टेक नहीं है और आज से आप तारा जब पढ़ती है इसको तो डरना छोड़ दीजिए प्रोवर्ब 3:25-26 कोविड चल रहा है वो मैं समझता हूं लेकिन ये स्क्रिप्चर सुनिए आप नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसकी 25वीं और 26वीं आयत अचानक आने वाले भय से ना डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में ना फंसने देगा ये प्रभु परमजीत के लिए और आपके लिए सोचता है कहता है हैव नो फियर ऑफ सडन डिजास्टर आप कहीं नहीं जाने वाले आपका धरती पे काम बचा हुआ है पर प्रभु पूरा करेगा प्रभु जो है अधूरा काम नहीं करता है प्रभु पूरा काम करता है तो सडन डिजास्टर में चला जाऊंगा मैं मर जाऊंगा इसका भय छोड़ दीजिए कतई छोड़ दीजिए आप ताली का धन्यवाद अश्विन कुमार जी और द रुएन दैट ओवर केक टेक्स द विकेट अरे यार उसको ऐसा हो गया अरे उसको ऐसा हो गया क्या वो प्रभु को जानता था अरे नहीं इस दुनिया में ये चल रहा है अरे दुनिया का है क्या तू तू तो प्रभु का है अरे आजकल बड़ा ये वायरस चल रहा है बड़ा ये चल रहा है
हो भी गया तो प्रभु तुझे निकाल देगा उसमें से, तेरे को इम्यूनिटी दे देगा प्रभु। डरते डरते कैसे जियोगे? हैव नो फियर ऑफ सडन डिजास्टर और द रूइन दैट ओवरटेक्स द विकेड, फॉर द रॉड विल बी एट योर साइड। प्रभु आपके साथ है हर स्थिति के अंदर। आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ नहीं, आपका कॉन्फिडेंस आपकी सेहत पे, आपकी रिलेशनशिप्स पे, आपके परिवार पे, आपके पैसे पे डिपेंड करता है, पर हमारा कॉन्फिडेंस इस पे डिपेंड करता है कि प्रभु हमारे साथ है। एंड ही विल कीप योर फुट फ्रॉम बीइंग स्नेर्ड। आपके पैर में वो जाला नहीं फंसने देगा, ट्रैप नहीं होने देगा आपके पैर को, आप निकल जाएंगे। स्पीड ब्रेकर आ सकता है लेकिन आप फंसेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं, आपकी वॉक अचानक खत्म नहीं हो जाएगी डिजास्टर से। समझ में आई बात तो हाथ उठाइए। आई विश द नेट वॉज क्लियर, आई लव दैट कम्युनिकेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ साउंड। तो सडन डिजास्टर का, वर्ल्डली कॉन्फिडेंस का और गॉडली कॉन्फिडेंस का आज आप समझिए, और वर्ल्डली कॉन्फिडेंस को छोड़ के गॉडली कॉन्फिडेंस में आइए, आप हमेशा मजबूत रहेंगे। मैं हमेशा मजबूत रहूंगा, और ये सत्य वचन है, ये सच्चा वचन है मेरे भाई। टू क्रॉनिकल्स तारा 32:8 जी पास्टर। नहीं आ रही है जगू, लगता है कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया। समवन एल्स कैन रीड, हु कैन रीड? भावना आंटी। हां भावना आंटी, भावना आंटी, भावना जी कैन यू रीड? अनम्यूट कीजिए भावना। यस हाँ भावना आप पढ़िए। चलिए 2 Chronicles 32:8 दूसरा इतिहास का 32वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारे ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिया की बातों पर भरोसा किए रहे। Amen. We're talking about confidence here. जो दुश्मन है उसके पास एक मांस की बाह है जिससे हम डरते हैं, वो मार देगा, तलवार मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, पर यहां वो बोलता है बट विद अस इज द लॉर्ड आर गॉड टू हेल्प अस। डू यू बिलीव दैट? दैट एज शिवम जी गोज फॉर हिज टेस्ट टुमारो, द लॉर्ड जीसस विल बी विद हिम। Amen. Amen. But with us is the Lord our God to help us. हमारे साथ हमारा खुदा है, हमारा भगवान है, हमारी लड़ाइयां लड़ने के लिए। हमारा प्रभु है हमारे साथ और वो हमेशा जीतता है। Amen. And the people gained confidence. This is real confidence. आदमी की थप थप थपाना पीठ नहीं है ये, ये प्रभु बोल रहा है मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, मैं तेरे साथ टेस्टिंग रूम में हूं, मैं तेरे साथ एंजियोग्राफी के रूम में हूं, मैं तेरे साथ आने में हूं, मैं तेरे साथ जाने में हूं, तू क्यों चिंता करता है? एंड द पीपल गेन्ड कॉन्फिडेंस। आप लोग कॉन्फिडेंस गेन कीजिए आज, आप कहीं नहीं जाने वाले। फ्रॉम व्हाट हेजेकिया द किंग ऑफ जूडा सेड, हमारे वचन लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर लीडरशिप समझनी है तो कॉन्फिडेंस, गॉडली कॉन्फिडेंस दीजिए। शुरू में लोग आते हैं, मेरे को देखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को थोड़ा एडमायर करते हैं कोई बात नहीं है, मेरे को थोड़ा हेट करते हैं कोई बात नहीं है, पर मैं पॉइंटर हूं, मैं उनको वचन पे ले जाऊंगा, मैं अपनी कहानियां नहीं सुनाऊंगा उनको, मैं वचन की कहानियां सुनाऊंगा, वचन के किस्से सुनाऊंगा, वचन की टेस्टिमनी सिखाऊंगा कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो प्रभु में हो जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड।
बड़े ध्यान से सुनिए। आपने देखा है जो अनकॉन्फिडेंट लोग होते हैं बड़ा चिल्लाते हैं आर्ग्यूमेंट में, बार बार वही बात करते हैं, जिनके पास वर्ल्डली कॉन्फिडेंस होता है। जिनके पास वर्ल्डली कॉन्फिडेंस होता है वो बड़ा आपकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पढ़ते हैं, भावना जी पढ़ेंगी इसाया 32:17। बड़े कॉन्फिडेंस के समझ आ रही है हम सबको, गॉडली कॉन्फिडेंस। यशाया की पुस्तक 32 उसकी 17वीं आयत, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। हालेलुया। The fruit of Isaiah 32:17, the fruit of righteousness will be peace. जब हम right standing में हैं प्रभु के साथ, तो हमें चिल्लाने की, गिड़गड़ाने की, परेशान होने की जरूरत नहीं। वो confidence जो प्रभु से आता है उसमें एक शांति आती है। The fruit of righteousness will be peace. Its effect will be quietness and confidence forever. ये चाहिए भैया, हमें तो चाहिए चाहिए। हम तो उसको लेकर रहेंगे क्योंकि प्रभु हमारे बारे में ऐसा सोचता है, समझना। इट्स इफेक्ट विल बी क्वाइटनेस। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अथॉरिटी प्रभु ने आपने डाली है वो छुएगी लोगों को, लोग बकवास करनी बंद कर देंगे। एंड कॉन्फिडेंस फॉर एवर। ये कॉन्फिडेंस चिल्लाता नहीं है, बोस्ट नहीं करता है, पफ अप नहीं होता है। ये कॉन्फिडेंस कूल होता है। Cool confidence, confidence cool. Amen. Deepa is smiling. How nice. तो ये confidence हमारे को चाहिए। The fruit of righteousness will be peace. जब हम प्रभु की standing में आते हैं शांति आ जाती दिल में। हमें एक जो लोगों को एक कीड़े होते हैं, कई किस्म किस्म के कीड़े होते हैं, मैं उसे बताऊंगा मैं कौन हूं, मैं उसे जीतूंगा, मैं सही था। ये कीड़े एक एक करके निकलने शुरू हो जाते हैं। कीड़े हैं मैं बता रहा हूं आप, और ये जब निकलते हैं तो शांति आती है। उसका इफेक्ट क्या होता है, एक पीस आ जाता है, एक शांति आ जाती है, और कॉन्फिडेंस फॉर एवर। मेरे को पता है प्रभु मेरे बारे में क्या बोलता है। आदमी क्या बोले ना बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता कुछ फर्क नहीं अलबत्ता। आप प्रभु के लोग हैं, आपका कॉन्फिडेंस प्रभु से है और ये हिलना नहीं चाहिए। आमीन। मैं बड़ा वीक हो गया हूं प्रभु, मेरे को बड़ी तकलीफ हो गई है प्रभु, मैं बीमार हो गया हूं प्रभु, वो ऐसा बोलता है प्रभु, वो ऐसा बोलता है। ये बात अगर मार्केट में चले गई तो प्रभु मेरा काम चला जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए, विजडम रखिए। प्रभु अगर लोगों को पता चल गया मैं बीमार हूं, मुझे कोई काम नहीं देगा। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे कुछ हो गया दिमाग का, ऐसा नहीं है। इसाया 40:31 भावना, थोड़ा लाइट मेरी तरफ करो। यशाया की पुस्तक 40 उसकी 31वीं आयन, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord, don't hope in man. We love our families, we love everybody, but don't hope in man. आदमी पे डिपेंडेंस नहीं है हमारी, हम हमारी होप जो है प्रभु यीशु पे। जब हम प्रभु यीशु पे अपनी होप रखते हैं, वी विल रिन्यू आवर स्ट्रेंथ। टेस्ट के लिए जाना है, ये करना है, एग्जाम है, प्रमोशन है, जॉब इंटरव्यू है, हम लोग प्रिपरेशन पूरी करेंगे, जो पढ़ना है जरूर पढ़ेंगे, लेकिन निर्भय होके प्रभु के कॉन्फिडेंस में जाएंगे और आप देखेंगे काम होएगा ही होएगा। निर्भय हो जाएंगे आप, निर्भय। बट दोज हु होप इन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। हर चीज स्पेसिफिक है यहां पे। प्रभु ये नहीं बोल रहा कि मेरी बात मान, ये नहीं बोल रहा कि ऐसा समझ, वो बोल रहा मेरे पे विश्वास कर सिर्फ, क्योंकि आप घबराए हुए हैं।
आप घबराए हुए हैं तो प्रभु बोल रहा है सिर्फ मेरे में होप कर, मेरे में इच्छा रख, मेरे में विश्वास कर, फेथ रख, बस इतना बोल रहा है प्रभु। उसको पता आप फ्रेजाइल हैं, आप घबराए हुए हैं। वो लोग दे विल सून सोर ऑन विंग्स लाइक ईगल्स, आप उड़ने वाले हैं। स्पीड ब्रेकर है ही नहीं हवा में, फिर स्पीड ब्रेकर तो हवा में है ही नहीं, एयर में है ही नहीं, कोई बंप नहीं लगने वाला आपको। दे विल रन एंड नॉट गो ग्रो वेरी, वो लोग भागेंगे और थकेंगे। दिस इज गॉडली कॉन्फिडेंस। वर्ल्डली कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं डबल एम में हूं, मैं लिटरेचर किया है, मैंने ये किया है, मैंने 50 किताबें पढ़ी हुई है, मैं ये हूं, मैं अपनी बीवी से नहीं डरता मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, ऐसा हूं, वैसा। अरे कुछ नहीं भैया, हमारी होप जो है प्रभु यीशु पे, क्रूस पे लगी हुई है, जहां पे उसने सब हमारी तकलीफें ले ली। वो क्रूस पे जहां पे उसके हाथ गाड़े गए, पैर गाड़े गए, वो क्रूस पे जहां पे उसने तकलीफ सही, वहां पे जाके कहानी शुरू होती है, खत्म होती है और फिर शुरू होती है। और एक बात और बता दूं, यीशु की कब्र खाली है और खाली रहेगी। लोगों को वो सॉन्ग थोड़ा ओवर द टॉप लगता है, लेकिन कभी कभी मेरे को बड़ा जोश आ जाता है, शेरे बब्बर कब्र खाली है। ये तो बात है ना दोस्त, कब्र खाली है, एक एक प्रॉमिस उसका भरा हुआ है। कब्र खाली है दोस्त, कोई प्रूफ नहीं कर सका, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका। प्रभु आए बार बार, मच्छी खाया, सामने गए और अभी राजा की तरह आएंगे और हमें हवाओं में लपेट लेंगे और लोगों को बताए, साथ में चले, कहानी सुनाई। थॉमस ने बोला मैं नहीं मानता, मेरे को हाथ में आपके छेद में देखना, छेद है कि नहीं, छेद में, उसने कहा देख वही हाथ है, वही हाथ है, वही हाथ है। और वो हाथ बदलते नहीं है, और वो जब आशीष देते हैं तो वो हमेशा की आशीष देते हैं, आपको हमेशा का कॉन्फिडेंस देते हैं, हमेशा का फेथ देते हैं, हमेशा की होप देते हैं, आपको डिप्रेशन नहीं देते, आपको उल्लास देते हैं, जॉय देते हैं। आमीन। गल समझ आ रही है राहुल नेल्सन, गल समझ आ रही है? वो हाथ जो है उसमें छेद किया गया शैतान ने, वो हाथ वैसे ही है, जब वो आशीष देते हैं तो वो आशीष हमेशा के लिए होती है, कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए होता है। मोसेस को बोलना नहीं आता था, तुतलाता था, आदमी मार दिया था उसने, वो 300,000 आदमी ले गया वहां से निकाल के शैतान के हाथ में से, जो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। किसने इक्विप किया? प्रभु ने इक्विप किया, प्रभु ने उसको बनाया। टीनेजर था डेविड, हैंडसम आदमी, खूल के रहा था, उसे राजा बना दिया, उसको गोलियत को मार दिया, 9 फुट के आदमी को। उसने किसमें बिलीव करता था? प्रभु में बिलीव करता था। वो बोलता था तू आदमी के जोर पे आता है, मैं जिसने चांद सितारे जमीन बनाए मैं उसके नाम से आता हूं, प्रभु के नाम से आता हूं। इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं मेरे भाई, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं मेरे भाई। पॉल साहब जो है परसिक्यूट कर रहे हैं, जो लोग यीशु में आ रहे हैं उनको मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं, घंटों से मार रहे हैं, जेल में बंद कर रहा है, लाठियां बरसा रहे हैं उनके ऊपर, सामने यीशु मसीह आ जाता है और वो गिर जाते हैं। सामने यीशु मसीह आता, गिर जाते हैं, क्या करेंगे? यीशु मसीह सामने आएगा, सारी दुनिया अपने घुटने में जाएगी। एवरी टंग विल से, एवरी माउथ विल कॉन्फेस ही इज लॉर्ड। वो है ही चीज ऐसी, उसकी कहानी समझ आती है तो नम्र हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि ऊंट जो है पहाड़ के सामने आ गया है। लास्ट मैसेज था हमें पहाड़ पे चढ़ना है और मुझे तो पहाड़ पे जाना है, तो हमें पता चलता है हम चींटी हैं और वो जो है ब्रह्मांड बनाने वाला है। मैं गोलियत को नहीं मार सकता, पर उस पत्थर पे और उस गुलेल पे, स्लिंग शॉट पे, जब प्रभु यीशु फूंक मारेगा, जब होली स्पिरिट फूंक मारेगी, तो दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल से ज्यादा वो पावरफुल हो जाएगी। वैसे ही प्रभु हमें इक्विप करता है, हमें नहीं लगता होगा, लेकिन जब हम उसकी बात मानते हैं तो वो बोलता है ये कॉन्फिडेंस मैं तुझे देता हूं, नहीं तो कैसे गोलियत के सामने खड़ा हो सकता था, कैसे 300,000 लोगों को निकाल सकता था, जो बोल भी नहीं सकता था एक सेंटेंस बराबर, जो गिल्ट में था कि आदमी मारा, कैसे पॉल जो लोगों को
को मार रहा था, ऐसा आदमी जो आदमी वर्शिप करता है पॉल, और उसकी संगली खुल जाती है, उसके हाथ खुल जाते हैं, हथकड़ियां खुल जाती हैं, और जेलर अपने आप को मारने लगता है क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट प्रिजनर्स थे, और वो बोलता है मर मत मार, और पूरा जेलर और उसका पूरा खानदान उसी दिन बचता है। वो क्या बोल रहा होता है? प्रेस कर रहा होता है। उसका कॉन्फिडेंस उस वक्त भी है, मैं तारीफ करूंगा, मैं धन्यवाद We can't hear you, Pastor. You muted. You're muted, Babu. Okay. Try to unmute yourself. Abhi, can yes, you hear now me? We can, yes. Yes, we can hear you. No. We can hear you. You can take seconds too. So, okay. Paul ko, Moses ko. डैनियल को, जोसेफ को, मार्क मैथ्यू लूक को कैसे ये कॉन्फिडेंस आया? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो आदमी पे डिपेंड नहीं करते। उनको पता था उनकी मदद रूहानी है, अर्शी है, फर्शी नहीं है, आसमानी है, जमीनी नहीं है। वो असली कॉन्फिडेंस होता है मेरे भाई। और गिरा नीचे तो यीशु ने उसको बोला, पॉल साहब को क्या बोला? पॉल साहब को, तू Why do you kick against the goats? तू ऐसा काम क्यों कर रहा है जिस जो तू कर नहीं सकता? फिर वो अंधा हो गया, उसके सामने वो मंजर बस गया, यीशु मसीह का जलाल और मस्सा उसके आंखों में कैद हो गया 3 दिन के लिए, और फिर उसने जो काम किए वो दुनिया में किसी से नहीं किए। 12 आदमियों ने दुनिया पलट दी मेरे भाई, 12 आदमियों ने। हम लोग तो 12 से ज्यादा हैं, यही पे 50 है, और कितने फेसबुक में है मुझे पता नहीं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये रूहानी ताकत को समझिए, इस रूहानी ताकत को समझिए, इस रूहानी कॉन्फिडेंस को आप समझिए। और जो लोग बोल रहे हैं ना जब 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 मेरे मैं कर सकूंगा तो करूंगा, ऐसा किसी ने नहीं बोला, घबराते हुए गए, कहते मैं बोल नहीं सकता, बुलवाया, मैं गुलायत को मार नहीं सकता, मारा, भालू को मार दिया, शेर को मार दिया, अरे प्रभु मैंने नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को निनवे नहीं जाना, मेरे को निनवे नहीं जाना, मेरे को अपनी बड़ी जाति के लोगों में भेजो। गया वहां पे, प्रभु का वचन दिया, मच्छी के पेट में चला गया, ये प्रभु का डाला बम्पर था, बम्पर से भी बड़ी चीज थी, प्रभु ने निकाला। हमारे को पहला स्टेप डर लगता है, दूसरा स्टेप डर लगता है, तीसरा स्टेप डर लगता है, 18वां स्टेप डर लगता है, 19वीं पे हवा चल जाती है यीशु मसीह की। तालियों का धन्यवाद। तो आप शुरू ही नहीं करेंगे तो तस्वीर कैसे बनेगी मेरे भाई? अभी तो तस्वीर बाकी है दोस्त। आपको वो स्टेप इन फेथ लेना पड़ता है, स्टेप इन फेथ लेना पड़ता है मेरे भाई। अभी पढ़ेंगी भावना जी आइज़ाया 41:10। आज स्क्रिप्चर ज्यादा है पर मजा आएगा। यशाय की पुस्तक 41:41 उसकी 10वीं आयन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आई विल अपहोल्ड यू विद माय राइटियस राइट हैंड, मतलब आदमी गिरने वाला दोस्त। जब बच्चा होता छोटा आपका, जब अंगद छोटा था तो मैं उसको साथ में लेके चलता था, वो इधर देख रहा उधर देख रहा, अंजा कर रहा है वो, और मैं स्लिप हो जाता था तो मैं उसको ऐसा खड़ा कर देता, फिर खड़ा कर देता। उसको पता था कि डैडी गिरने नहीं देगा मेरे को, समझे ना? अभिषेक को पता था डैडी गिरने नहीं देगा हमारे को, पर कितनी बार पत्थर टक्कर लगती थी, देख नहीं रहे कहां जा रहे हो, खड्डा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, है ना? तो वो बोलता है सो डू नॉट फियर फॉर आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं, इसलिए ना डर तू।
इंजीनियर बहुत अच्छा है, ठीक है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ठीक क्या है कि मैं तेरे साथ हूं. डू नॉट बी डिसमेड, डोंट लूज होप. डिसमे इज होप, लूजिंग होप. नेवर लूज होप इन जीसस, फॉर आई एम योर गॉड. मैं तेरा प्रभु है. आई विल स्ट्रेंथन यू एंड हेल्प यू. क्योंकि गिर रहा है ना तू, जैसे अंगद गिरता था मैं उठाता था, कभी गिरता था उठाता था. आई विल अपहोल्ड यू विद माई, आई विल स्ट्रेंथन यू एंड हेल्प यू. ऐसे हाथ पकड़ के वो ताकत देता है. उसके हाथ से हमारे हाथ में ताकत आती है, पिता के हाथ से बच्चे के हाथ में ताकत आती है. ठीक है ना, समझ में आया. आई विल अपहोल्ड यू विद माई राइटियस राइट हैंड. गिरने नहीं दूंगा. तो आप जब गिर रहे हैं, जब आप गिरने वाले हैं, तो आप इमेजिन कीजिए आपका हाथ प्रभु येसु के हाथ में है और कदापि भी आप गिरेंगे नहीं. कदापि भी रबारी रबसे स्त्रमंदर मशे गमस्सा हो रबसा स्त्रमंदर मशे गमस्से स्त्रमंदर मस्सा रबारी रबसे गमशे स्त्रमंदर. द मैसेज इज लॉन्ग बट द लॉर्ड इज टेलिंग मी टू स्टॉप द मैसेज राइट नाउ. ओ रबशे गमस्से स्त्रमंदर मस्से स्त्रमंदर मस्से. यहां तक जहां तक प्रिसाइसली बोला है मैंने, अकेला होता हूं तो प्रिसाइस बोलता हूं. प्रार्थना करता हूं प्रभु ये प्रिसाइसली लोगों के दिलों में जाए. और अभी आप मेरे को प्रार्थना की तरफ ले जा रहे हैं प्रभु. ओ रबशे गमस्से स्त्रमंदर मस्सा. ओ रबशे गमस्से स्त्रमंदर मस्सा. ओ रबशे स्त्रमंदर मस्सा. जोर से नहीं, ताकत से नहीं, पर मेरी रूह से बोलता है परमेश्वर. बहुत चिन्ह चमत्कार होंगे, बहुत लोग हील होंगे. हे रबशे गमस्से स्त्रमंदर मस्सा. बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करने वाला है. क्योंकि मैंने उसकी बात मानी जब उसने बोला चुप करने को. सरदार चुप कर, परमजीत चुप कर, तो मैं चुप कर गया. हो रबशे गमस्से. हालेलुया हालेलुया. Can Shania play a soft music? Okay, not possible. Hallelujah. Hallelujah. I might continue this message on Sunday. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. किसी की जाड़ में बड़ा जबरदस्त दर्द है. किसी के मोलर्स में कोई कीड़ा पड़ गया है. दांत में किसी के बड़ा जबरदस्त दर्द है. कौन है वो? पास्टर एलिस हैज रिटन इट ऑन द चैट जस्ट बिफोर यू वर प्रेइंग. यू वर प्रेइंग. यस आई हैवंट रेड इट मैम. या आई नो दैट एलिस. या फादर गॉड एलिस आई प्रे. फादर गॉड देयर इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑफ फादर गॉड अ वर्म टाइप ऑफ थिंग फादर गॉड इन अ टूथ एंड एनीबॉडी एल्सस टूथ एलिसस टूथ. There's pain, Father God, beyond measure, Father God. Hair pulling out pain, Father God. प्रार्थना है मेरी प्रभु उसका जबड़ा ठीक हो जाए प्रभु. धन्यवाद प्रभु आपको हमेशा उबे करूं मैं प्रभु. हमेशा आपकी बात मानूं. जब बोलने को कहे तो बोलूं, आदमी की ना सुनूं प्रभु. जब चुप करने को बोले तो चुप करूं प्रभु. ऐसा प्रभु रखिए मुझे आप हमेशा. पेन जा रहा है एलिस. यू विल टेस्टिफाई बाय गॉड्स ग्रेस. गॉड इज हीलिंग यू. द वर्म्स आर डाइंग. That insect, whatever it is, it's dying right now, and God is healing your tooth right now in the name of Jesus. एक और आदमी है जिसके mouth में जबड़े में problem है. अभी दांत में नहीं है, जबड़े में दो लोगों के दर्द है. जबड़े में दो लोगों के दर्द है. हाथ उठाइए. तनीश. हैं? तनीश.
वेणु गोपाल नायर का अपना दिस इज दानिश दानिश प्रभु दानिश के जबड़े में दर्द है प्रभु दानिश प्रभु प्रार्थना करते हैं कि टेटनिस का इंजेक्शन उसे जल्द लगवाया जाए। प्रार्थना करते हैं उसको कट्स वगैरह पड़ते रहते हैं और टेटनिस का इंजेक्शन नहीं लगाया प्रभु उसको लॉक जॉ से बचाइए प्रभु हील कीजिए तनिष को यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक और आदमी जिसके जबड़े में दर्द है हाथ उठाइए रबारी रबसे गमशेस्त्रमंदरमसे उंदरमशे गमसास्त्रम। अगर फेसबुक पे या किधर कमेंट आ रहा है एक और आदमी या औरत के जबड़े में दर्द है तो मुझे बताइएगा। हालेलुया हालेलुया Alleluia, Alleluia. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tanish heal ho raha hai, Ravashi. Sylvia heal ho rahi hai. Sylvia hai na? US mein. Ravashi. Alice. Alice heal ho rahi hai. Jaggu kuch bolna to nahi? Ravashi, namaste. Pabungal. एक बार आ गया दादी has a lot of pain दादी को दांत में बहुत दर्द हो रही है जबड़े थे यस जबड़े थे हां देखो खर्चे निकले प्रभु प्रार्थना कर दे दो बंदे तुझे भेजोगे प्रभु मेरी फिर से प्रार्थना जब आप बोले मैं बोलूं जब आप कहे चुप कर जा तो चुप कर जा परमजीत सर फिर आपसे प्रभु प्रार्थना है मेरी प्रार्थना करता हूं प्रभु रबारी रबसे गमशेस किसी की भी हीलिंग मिस नहीं होनी चाहिए किसी का चमत्कार जाना नहीं चाहिए प्रभु मेरी वजह से या किसी और की वजह से प्रार्थना है मेरी प्रभु के दादी का जबड़े का दर्द दांत का दर्द जाए हार्ट की प्रॉब्लम्स जाए उनकी प्रभु अमृत की हार्ट की प्रॉब्लम जाए जग्गू और सबको ठीक किया आपने उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना करते हैं कि केशा और पूरा परिवार भी ठीक हो प्रभु प्रार्थना है मेरी यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी आप हाथ उठा के मेरे से प्रार्थना करा सकते हैं संगीता बोलो फिर दीप बोलो Father God, right now, Father God, every demonic spirit to leave, Father God, in the name of Jesus. You know, there is a gospel which is known as the apostolic gospel, which was revealed to Peter and to Zacchaeus. And that is what you must understand and ask the Lord to send that apostolic gospel of good news to your family. I'm telling you, many of you understand wo last message, dekhiye mera aur usko samajhiye, Yesu Masih ke naam se. Apostolic supernatural gospel of Christ. Pastor, left shoulder, back and arm pain is not going since a few days. I pray, Father God, Sangeeta's mom, back pain, shoulder pain, Father God, side pain to go. I rebuke it, Father God, right now. And I pray, Father God, health and healing to flow right now. In the name of Jesus, I pray. Amen. My pain. God pain, Sangeeta's pain to be gone. Right now, Father God, I pray as she moves her shoulder, Father God will be gone in the name of Jesus. Next was Deepa. Pastor, salvation of the family. And I am having some issue with my vision. Continuously on the laptop, so my eyes are straining a lot. So Angad and Deepa have this prayer request, Father God, where their eyes are being strained, Father God. And I pray both are on the laptop along. Even Jaggu is a lot on the laptop. I pray, Father God, Angad's and Deepa's eyes be healed right now in Jesus' name. Nikita ne haath uthaya. Nikita, meri bachi, achhi lag rahi hai. Alok, thank you. Alok, jab se discharge hua, tab se usko jabde mein pain hai. Wo kuch jabde. Kya? Kuch chaba nahi pa raha hai wo. Prabhu, prarthna karte hain, Rabbi Sheikh Masse. कभी आता नहीं है सामने वो कोई बात नहीं चलो रब शेख मसे इस्त्रमांदर मसा इस्त्रमांदर मसे ब्लेस नितिका फादर गॉड कीपर हार्ट हैप्पी फादर गॉड आई प्रे फादर गॉड दैट शी विल ऑलवेज ग्लो आई प्रे आलोक का प्रभु हीलिंग जबड़े में पेन जो है चला जाए प्रभु बड़ा खतरनाक होता है खा सके प्रभु चबा सके प्रभु और यीशु मसीह को समर्पण कर दे पूरा प्रभु और उसकी जिंदगी के जैसे आपने 15 साल बढ़ाए थे प्रभु इसके और बढ़ा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। नेक्स्ट Hallelujah, Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship Jesus. Worship Jesus. Worship Jesus. हनी के लिए प्रार्थना करानी थी. Worship Jesus. किसी के कान में तकलीफ है. बहता है कान. कौन है वो? कान में दर्द है किसी के. बोलिए जरा कौन कौन है. मेरी वाइफ डिंपल है उसका. ये इसका कान बहता है. डिंपल का कान बहता है. प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हील हो जाए. अब भी हील हो जाए. 5 मिनट में बहना बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. अश्वनी थैंक यू जीसस. टिकरी और बट ये पड़ता नहीं है. वो ज्यादा प्रश्न करता है. हनी कुमार एक मिनट रुक जाइए आप जरा. Shania, just suddenly developed a very high fever. Shania, yes, okay, Father God, I pray, yes, okay, Father God, right now I pray for Shania, Father God, no wrong thoughts will enter the family. I pray, Lord God Almighty, as the devil leaves, Father God, every fever will go, Father God, every attack will be gone, Father God, I pray that Shania by the stripes of Jesus is safe, healed and happy, Father God. It is a passing phase, Father God. It will not last in Jesus' mighty name. Amen. Abhi Ashwin Kumar ji, main ek panti aur gaunga, phir aapke paas aata hun. Phir aap boliyega. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 मेरी बात ध्यान से सुनिए. किसी का राइट लेग, दाहिनी लात किसी की मुड़ती नहीं है, सीधी हो गई है. उसको आप मोड़ नहीं सकते हैं. बहुत दर्द होता है. कौन है वो? आलोक. रिसीव कर बच्चा आलोक. अभी मेरे को, अभी मैं जिससे बात करूं, जो बोलूं वही बोले. आलोक की टांग जो मुड़ नहीं रही है प्रभु, वो मुड़ सके प्रभु. और अभी प्रभु धन्यवाद प्रभु. आलोक को देखा प्रभु, अपने बच्चे को देखा मैंने. धन्यवाद करता हूँ प्रभु. मोहब्बत करता हूँ इसको प्रभु. और आप भी मोहब्बत करते हैं प्रभु. अच्छा लग रहा है आलोक. अच्छा लग रहा है. एक्टर आदमी है. प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि अभी इसकी प्रभु टांग जो है मुड़नी शुरू है. सब लोग हाथ बढ़ाइए आलोक की तरफ. रब शेस्त्र बंदर मसा. धन्यवाद आया प्रभु. शैतान हरा. ओ रब शेख मेस्त्र बंदर मेख मशे. हर शैतानी आत्मा को प्रभु आलोक से निकालता हूँ प्रभु. ये सुम मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपकी कृपा है प्रभु. लात प्रभु जो मुड़ती नहीं है मुड़े. प्रार्थना करते हैं जबड़े का दर्द जो जा नहीं रहा वो जाए. आपके कोड़ों से शिवा मिले. हर शैतानी आत्मा निकल जाए प्रभु आलोक से, घर से प्रभु. प्रार्थना करता हूँ आपकी ताकत आए प्रभु ये सुम मसीह के नाम से. आमीन आमीन. हाले वेलकम बेटा. लव यू आलोक. लव यू ऑलवेज विल. ऑलवेज मेरा पहला हीरो है तू. हालेलुया. नितिका 10 मिनट देख के मुझे बताना. हालेलुया. हालेलुया. यीशु यीशु रबारी यीशु हरा बारी राशुरा रा रा रावे आरी रावा रावे रे येशुआ येशु येशु
यीशु यीशु यसु 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 रा बारी री रा बार रा रा बस्सा उंदर अवश्य कमसे स्त्रवा उंदर अवस्सा स्त्रवा उंदर अमशे हर शैतानी आत्माएं लोगों को छोड़े प्रभु रवस्सा स्त्रवा उंदर अमशा हर शैतानी आत्माएं बिजनेसेस को छोड़े फैमिलीज को छोड़े परिवार को छोड़े रवसे स्त्रवा उंदर अमशे कमसा मुक्ति मिले प्रभु, मुक्ति मिले प्रभु, मस्सा जाए प्रभु, मस्सा जाए प्रभु, नेल्सन के घर पे जाए प्रभु, पंजाब में जाए, यूपी में जाए, महाराष्ट्र में, ओ रारी रा 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 रे रा बारे रासु हे रा वाशे रा बारे Joyce Wilson has commented on Facebook. What? A friend of hers, Bhavna, has a complication in pregnancy. The fetus seems to respond to the test for Down syndrome. Somebody wants a prayer on Facebook. The name is of the patient? Bhavna. Bhavna. A complication in pregnancy. Right now be healed in the name of Jesus. Any other prayer requests? Same. Joyce Wilson has posted that a mom needs Joyce Wilson, the word came just now. If you're a believer and the word of God never falls to the ground, it accomplishes what it's doing, what has to be done. Your mother's joy is being healed right now in the name of Jesus, in the name of Yeshua. Amen. Next, kisi ko haath uthana hai? Haan, Bhavna. Praise the Lord, Pastor. Shivam ji, क्लियर आए शिवम जी के लिए प्रार्थना चाहती हूँ सब रिपोर्ट सुन के क्लियर आए और प्रभु हमारी प्रार्थना सुने प्रभु प्रार्थना करते हैं शिवम जी के लिए प्रभु कल जाएंगे प्रभु लोग प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु निरंतर विदाउट सीजिंग प्रार्थना है मेरी प्रभु डॉक्टर सही होगा रूम सही होगा इंस्ट्रूमेंट सही होंगे सारे रोड जो है प्रभु गुड रिपोर्ट आएगी गॉड विल गिव शिवम जी अ गुड रिपोर्ट इन जीसस नेम ऐसा मेरा मानना है प्रभु ऐसा मेरा कहना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 ऐश्वर्या अंकल आई वांट टू टेक प्रेयर्स फॉर माय फ्रेंड लिनेट शी इज वेरी बैड नर्व इशू हर वेरी बैड पेन इन हर हैंड एंड इट्स नॉट गेटिंग बेटर एंड शी इज वेरी नेगेटिव आल्सो सो प्लीज प्रे वेरी negligent negative father god I pray for Lynette I pray that cancer be gone father god may it return not the great I am father god will speak to her for surrender her life to Jesus Rhea will be used mightily lord to give the gospel at this time father god this very critical time at this very 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 time of gentleness and compassion father god I pray that her negativity will go, her hand pain will be gone, and she be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Koi aur? Amlagar, Pratna Karani? Pastor. Pastor Tushar, can you please pray for Pali and her family? They're all positive. Oh, God, that virus, COVID be gone. Yes, I pray, Lord God Almighty, right now, in the name of Jesus, that COVID be gone from Pyle, her husband, little Ayan. I pray, Father God, by the stripes of Jesus, let healing flow right now, sister. Also, Lord, everybody be healed in the name of Jesus. At the same time, pray for Ronak and family that, Father God, COVID go. And I pray, Father God, that they be healed in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Welcome. Anybody else? Mooni, Pastor, like? Ashwini ji is asking for the prayer since Ashwini ji kab se prayer ke liye bol rahe hain to prarthna karte hain Ashwini ji ko bless kijiye unke parivar ko bless kijiye prabhu prarthna karte hain prabhu ke Nair sahab ko bless kijiye prabhu Ashwini ji ko bless kijiye apni kripa mein rakhiye prabhu Yesu masih ke naam se sabke vyavsayon ko prabhu bless kijiye businesses ko bless kijiye kamon ko bless kijiye Yesu masih ke Kamlakar tu kuch bolna cha raha hai kya tera mic mute pe hai sun nahi raha mujhe नहीं मैं आपके लिए गीत गाना चाहता हूँ पास्टर जी किसके लिए कौन बोल रहा है हाँ जी कौन बोला अभी किसके लिए गीत गाना चाहते हैं मैं अश्विनी बोल रहा हूँ आपको दाना मंडी में देखा था लुधियाना पंजाब में
पास्टर मदनलाल जी ने आपको बुलाया था, तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, इतना ही देर होगी मेरे को आपको फॉलो करने में। जी जी, आप क्या करना चाहेंगे? मैं आपके लिए गीत गाना चाहता हूँ। गाइए गाइए गाइए, खुल के गाइए गाइए। जग्गू, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। गिरते को उठाता है, सीने से लगाता है, गिरते को उठाता है, सीने से लगाता है, जब साथ कोई ना दे वो साथ निभाता है, भला वो कौन है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है, हर बीमार दुखी जो उसके दर पे आता है, अपने सारे रोगों से आराम वो पाता है, हर बीमार दुखी जो उसके दर पे जाता है, अपने सारे रोगों से आराम वो पाता है, अंधों को वो आंखें दे, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को वो आके दे, लंगड़ों को चलाता है, भला वो कौन है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है, Yes, सबके बोझ फिकर और चिंता दूर वो करता है, सबके बोझ फिकर और चिंता दूर वो करता है, दिल के हर वीराने में वो खुशियां भरता है, दिल के हर वीराने में वो खुशियां भरता है, देता है नया जीवन, मुर्दों को जलाता है, देता है नया जीवन, मुर्दों को जलाता है, भला वो कौन है, मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है, सब पापों को माफ करे कितना ही भला है वो, सब पापों को माफ करे कितना ही भला है वो, सबके लिए सूली पे चढ़ा कांटों पे चला है वो, होता है लहू से वो अमृत वो पिलाता है, भला वो कौन है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है, हालेलुया। चलो आज पंजाब पंजाब स्टाइल में करते हैं, एक मिनट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज पंजाबी पंजाब स्टाइल में करते हैं, बहुत टाइम हो गया। हालेलुया हर वेडनेसडे और संडे को बात करेंगे व्हाट्सएप पे, मेरे से
शुक्रिया। और किसी को प्रार्थना भैया? प्रेज द लॉर्ड पास्टर। यस मी। प्रेज द लॉर्ड। कौन? तारा? नाजिमा। नाजिमा बोल जल्दी। पास्टर मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और कुछ कंफ्यूजन है शिफ्टिंग को लेकर, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करते शिफ्टिंग आराम से हो जाए प्रभु। वो घर जो उसने मेरे को कल बोला प्रभु, मेरे को पीस नहीं आया उसके लिए, मुझे तो भी नहीं आ रहा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु के, और मुझे भी नहीं आ रहा, तो प्रभु दो दोनों को नहीं आ रहा है प्रभु, जहाँ दो तो प्रभु प्रार्थना करते उस घर में ना जाए प्रभु, अवश्य ना जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु के करीब में या कहाँ भी जहाँ भी आपकी इच्छा में प्रभु, अच्छा सा घर मिले और प्रभु ये आत्मिक तौर से प्रभु हमेशा बढ़ती रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कल राखी ने हाथ उठाया था। For my sister, she's having frequent breathlessness. It comes and goes. Like one week she's fine, then again it happens. It's panting or breathlessness, a bit confusion. She's not showing to the doctors. Something, I put my video off on the net to be there. You want me to repeat? Last prayer request from Raki then. Yeah, I didn't hear you, Raki. Okay. My sister, she's having breathlessness. It comes and goes. One week she's fine, then again it happens. It's panting or breathlessness. It's a bit confusing state. So, it is not confusing for me. I'll pray for her healing. But the thing is that there are so many split personalities. I pray, Father God, she surrendered her life to Jesus. And I pray, Father God, ab ye torture se Prabhu ye pura parivar bachega Prabhu. प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा आएगी इस नाम से और प्रभु राखी को आप सुरक्षा, अभी अभी राखी अच्छी स्पेस में दिख रही है, खुश दिख रही है, खुश रहे और प्रभु इसको आपकी कॉन्फिडेंस दे जो प्रभु से आता है, जो पूरा मैसेज आया प्रभु कि ये प्रभु के कॉन्फिडेंस में आप काम करें। जितने लोग हम देख रहे हैं और मैं और मेरा परिवार अंगद अभिषा मोनी और मैं, हम लोग प्रभु के कॉन्फिडेंस में काम करें, उसके वचन वो हमारे को क्या बोलता है हमें उसमें काम करें यीशु मसीह के नाम से। आप क्लोजिंग प्रेयर करेंगे नेल्सन जी और जो भी आपके दिल में आए आपके। ओके करें स्टार्ट। बिल्कुल करिए। ओके हम सारे आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की तरफ एक मन लगाएंगे क्योंकि प्रभु का वादा है जब एक मन होकर प्रार्थना करते तो मैं आपकी जरूर सुनता हूँ। थैंक यू पिताजी, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर आपके चरणों में हम परमेश्वर आपका वचन सुना आज, बड़ा अच्छा लगा प्रभु अपने दास के जरिए प्रभु अपनी आत्मा से हमें आपने वचन दिया प्रभु कॉन्फिडेंस रहने में। वाकई परमेश्वर डैनियल का कॉन्फिडेंस था परमेश्वर और आपने उसको बचाया मेरे परमेश्वर, भूखे शेरों से बचाया मेरे प्रभु येसु। मेरे प्रभु येसु आपने दाऊद को कॉन्फिडेंस दिया मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर जब आप कॉन्फिडेंस देते हैं तो परमेश्वर वाकई हमें ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, हमारे सारे काम प्रभु ब्लेस होते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके दास के जो आज वचन आपने हमारे साथ शेयर किया मेरे पिताजी, हमें बड़ी ताकत मिली मेरे परमेश्वर। वाकई हम इस दुनिया के नहीं हैं परमेश्वर, हम स्वर्ग के हैं और परमेश्वर इस दुनिया में आए आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए मेरे परमेश्वर, आपके कामों को पूरा करने के लिए, आपकी खुशबू को फैलाने के लिए आए परमेश्वर, और शैतानी ताकतों को खत्म करने के लिए आए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस वचन के साथ सभी को ताकत दो, सभी का प्रभु गॉडली प्रभु जी कॉन्फिडेंस बढ़े मेरे परमेश्वर, जो आपकी तरफ से परमेश्वर वो बढ़े प्रभु, विश्वास बढ़े परमेश्वर, कॉन्फिडेंस बढ़े मेरे परमेश्वर, और आपके वचन के मुताबिक चलें, आपके वचन के ऊपर मनन करें मेरे परमेश्वर, सभी को शक्ति मिले मेरे पिताजी, और प्रभु जी आपकी ताकत इनके बीच में काम करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जिन्होंने वचन सुना है और जो बाद में सुनेंगे, सभी को ब्लेस करो मेरे परमेश्वर, और आने वाले वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं, और खास करके प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए अपोस्टल परमजीत सिंह, उनके वाइफ मोनी मैडम के लिए, अंगद के लिए, अभिषा के लिए, और उनके घर के सारे जीवों के लिए, मेड के लिए, डॉगी के लिए, मम्मी के लिए, प्रभु सभी को प्रभु याद करते हैं प्रार्थना में और आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इसी तरीके से अपनी अनॉइंटिंग के साथ सभी को इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर आपका प्यार हमारे बीच में सभी के बीच में बना रहे, और अपने दास को ब्लेस करो मेरे परमेश्वर, अपने अभिषेक को और बढ़ा के प्रभु और इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु सारी दुनिया में परमेश्वर आपका वचन जाए और ज्यादा से ज्यादा रूहें बचा सके मेरे पिताजी।
थैंक यू परमेश्वर, सारी टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को परमेश्वर आपने वचन दिया और वचन के साथ जोड़ के रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिन सभी के अच्छे हों और परमेश्वर आपका आशीर्वाद सभी के ऊपर हो मेरे परमेश्वर। आज जिनके लिए प्रार्थना की मेरे परमेश्वर, आपके दास ने सभी को आपने अच्छा कर दिया, विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू पिताजी, जो मांगा आपने दे दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। स्टार्ट विद यू, एक मिनट सर, पता नहीं है, मैं करता हूँ ना, मैं कर रहा था सर। आप वायरस भी चला जाए और हम लोग मिलना जुलना शुरू करें फिर से, और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप लोग आइए दो दो तीन करके मेरे घर पे, इसको भी आना, फोन करके आइए, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, प्रार्थना करेंगे यहाँ पे मिलके। और जैसे मैं जाने से पहले बोलता हूँ, प्रभु यीशु, प्रभु खुदा बाप आपको प्यार करता है और मैं उसका छोटा सा दास भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, बाय 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 बाय, गॉड ब्लेस।